बुक लिखना पहाड़ ना लगे, जब वो लिखना चाहे वो लिख पाए। तो क्या डेली हैबिट्स हैं जो हम आज अपने प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग आए हुए हैं हम उन्हें बताना चाहते हैं, चाहे वो किड्स हो, वो टीनेज हैं, वो अडल्ट्स हैं, अभी से अगर उनकी इच्छा है बुक लिखने की तो अभी से वो छोटी छोटी हैबिट्स क्या फॉलो करें ताकि उनके लिए ये यू नो गोल स्टेप टू स्टेप इजी होता है। अंकल आपको म्यूट करना होगा, अनम्यूट। We have many questions here in private and chat. We'll be asking one by one, and I'll just unmute you just a sec. You can also unmute yourself. Hanji, Ankur. Is it open now? ठीक है जी? बिल्कुल, बिल्कुल Ankur. हाँ, तो ये मैंने शुरू में सारा कवर किया है कि बच्चों को अगर हमने लिखने के लिए प्रमोट करना है, उनको इनकरेज करना है, तो उससे पहले उनको पढ़ने के लिए इनकरेज करना पड़ेगा। उनको उनके उस लेवल की बुक्स ला के देनी पड़ेंगी, उनके सामने बैठ के हमें खुद भी पढ़ना होगा और उनको भी हम इनकरेज करेंगे, तभी मतलब कि उनका इंटरेस्ट। पहले तो बुक्स के साथ दोस्ती ज़रूरी है, तो क्योंकि बुक्स ही ऐसे ही हैं जो हमें गाइड करेंगी कि हम आगे जाके कैसे बुक्स लिख सकते हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मैंने जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई नहीं की, मुझे बेसिक्स भी एबीसी जिसे कहते हैं मुझे वो भी नहीं आता। मैंने किसी मीडिया हाउस के साथ एक दिन भी काम नहीं किया, मुझे नहीं पता कि मीडिया हाउस में कैसे काम होता है। लोग हैरान होते हैं कई बार टीवी वाले मेरे जब इंटरव्यू करते हैं कि बिना इस तरह प्रोफेशनल डिग्री प्रोफेशनल क्वालिटी आर्टिकल 1000+ आर्टिकल लिखे कैसे आपने, तो उनको हैरान भी होती है कि लोग तो स्कूल कॉलेज की बुक्स तो चलो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद जब जॉब लग जाती है या अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो पूरी लाइफ में 36 किताबें लोग पढ़ते नहीं है जितने की आपने लिख दी, और इतने सारे चैप्टर कुछ किताबों में तो 70 से 100 चैप्टर तक है मेरे, तो उनको लगता है कि इतने तो टाइटल भी नहीं सिलेक्ट किए जा सकते। तो ये सारी चीजें अवेयरनेस तभी आएगी जब हम शुरू में, मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया कि हमें बहुत सारे जिस फील्ड का इंटरेस्ट है उस फील्ड के जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स को पढ़ा जाए, उनकी बुक्स बच्चों को ला के दी जाए। बच्चे का इंटरेस्ट पहले कुछ दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस चीज में उसका इंटरेस्ट है। ये नहीं है कि नहीं हमें जो अच्छा लगता है हम वो उस पर थोपते हैं कि नहीं बेटे तुम आप इसी पे कविता लिखोगे, आप इस पे कहानी लिखोगे, नहीं आप ये आर्टिकल लिखोगे या ये साइंस का आप बनाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। आज की डेट में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, सिर्फ उनको डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम उन्हें प्रॉपरली असेस कर पाएँ कि ये आगे चल के किस फील्ड में निखर सकता है, किस फील्ड में। जैसे कि एक बार आपसे पहले भी हमने बात की थी, एक सेशन किया था हमने, तो आपने डायमंड का एग्जांपल दिया था। रॉ डायमंड तो जब माइन से आते हैं तो तकरीबन सारे एक जैसे होते हैं, तो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि उसको जितना तराशा जाए वो तराशने का काम हम लोगों का है। आप लोग वो काम कर रहे हो, मैं तो बूढ़ा आदमी घर में बैठा हूँ टाइम पास करता हूँ, तो आप लोग एक्चुअली वो काम कर रहे हो सोसाइटी में। आपकी कंट्रीब्यूशन को रियली मैं सैल्यूट करता हूं नैंसी जी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सब आपसे सीखा हुआ है अंकल, ऑल लर्निंग फ्रॉम यू आर लाइक माय ग्रैंडपा टू मी, सो थैंक यू सो मच। एंड आई एम अश्योर्ड लेडीज एंड जेंटलमैन जो सर बोल रहे हैं वो मैंने 2 साल पहले रिकॉर्ड करा इनके स्टूडियो में, एंड मुझे भी नहीं याद था कि मैंने वो डायमंड का एग्जांपल दिया है। तो यू कैन सी अ राइटर हैज सच अ वंडरफुल मेमोरी दैट ही कैन गेट एनी पॉइंट एनीवेयर। Hats off to you and your skills, sir. एक और मैं चीज पूछना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। आजकल जमाना गूगल का है सर, जब सारे लोग कॉपी पेस्ट में जुड़ गए, ओरिजिनलिटी नॉट जस्ट लोग, मैं भी अगर मुझे सिंपल लगेगा तो मे भी मैं एक लाइन यहाँ से ले लूंगी वहां से ले लूंगी एंड गिल्टी नहीं फील करूंगी बिकॉज इट इज अवेलेबल। बट ये हम कैसे कर सकते हैं कि हमने जो ओरिजिनलिटी है वो कॉपी राइट कर सके?
डेफिनेटली एज अ मेंटर वी आर देयर टू हेल्प अदर्स. आपके पास भी कोई आया आप उन्हें हेल्प करते हैं. बट जैसे आपने 36 बुक्स रखी है, हाउ डू यू कॉपीराइट योर लाइक सिग्नेचर बुक्स? नहीं देखो, मेरे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स पे लिखे हैं, शुरू में तो मैं चलो स्टोरी बुक्स लिखता था, मोटिवेशनल स्टोरी. उन दिनों में कहानियां पढ़ने का बहुत ट्रेंड होता था. लोग सफर पे जब निकलते थे ट्रेन में, और जब दिल्ली लंदन जाना है, कनाडा जाना है, तो वो किताबें ले लेते थे, कहानियां पढ़ के टाइम पास करते थे. लेकिन अब पिछले तकरीबन 10-11 साल से मैं पब्लिशर की डिमांड पे लिखता हूँ. जो पब्लिशर मुझे टॉपिक देते हैं मैं उस पर लिखता हूँ. मैं अपनी चॉइस से टॉपिक नहीं लिखता कि मैं किताब लिख के फिर किसी के पास जाऊँ कि ये देखो कि ठीक लिखी, अच्छा आप दो या कुछ करो. मेरे मतलब कि वो होता नहीं मेरे से. तो नॉर्मली जो हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट अंकल, वेरी राइटली, बट मुझे लगता है कि ये स्टेज जो आप पहुंच गए हैं ये तब होता है जब हम ब्रांड बन गए हैं एंड हमारे पास पब्लिशर आ रहा है कि प्लीज आप इस पे लिखो. बट जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए हाउ टू गो अबाउट? नहीं, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ. जो सवाल आपने कहा वो गूगल वाला, उसमें क्या होता है कि हमारे इंडियंस की जो सोच है वो ये है कि अगर हम एक जगह से, एक किताब से, एक गूगल के आर्टिकल से कुछ निकाल के और उसे यूज कर लेते हैं और उसे कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दिया और अपना काम चला लिया, तो उसको अब कहते हैं जी हमने ये नकल किया है. मतलब कि लोग भी कह देते हैं, पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये नकल किया है. लेकिन जब वही चीज़ हम 5-7 आर्टिकल, 10 आर्टिकल पढ़ के और अलग अलग रेफरेंस लेते हैं, तो फिर उसको कहा जाता है कि इन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की है जी इस टॉपिक पे, तो रिसर्च करके तो इन्होंने फिर ये चीज़ बनाई है. तो उससे डेफिनेटली हमारा दायरा भी बढ़ता है, हमारी अवेयरनेस भी बढ़ती है, और हम उस ब्लेम से भी बच जाते हैं कि हमने कॉपी पेस्ट की है. Wonderful, wonderful. How you answer, you know, so complex question in such a simple way. Truthness overloaded, simplicity overloaded. Thank you so much. And over to the next question, Jolly Uncle. कितना जरूरी है एक critic का होना हमारी जिंदगी में? क्योंकि कई बार हम success में इतने या अपने डेली रूटीन के कोर्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें लगता है जो हम लिख रहे हैं वही अच्छा है और वो अच्छा हो जाएगा, बेस्ट सेलर बन जाएंगे. जैसे हमें सक्सेस मिली है एंटरप्रेन्योरशिप में, मे बी बुक में भी मिल जाए, बट इतना इजी नहीं है. तो कितना जरूरी है एक क्रिटिक, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक मेंटर का होना हमारी जिंदगी में फॉर बुक राइटिंग? ये बात आज से नहीं, तो कभी तब हुए थे तो उन्होंने भी ये चीज कही थी कि निंदक को हमेशा अपने पास रखो. क्रिटिक जो होता है वो बेसिकली हमारा निंदक होता है. वो हमारी कमियां निकालता है और हमें बताता है कि ये चीज़ ये ऐसे ठीक नहीं है. मैंने जैसे बताया कि मेरे पास कोई इस प्रोफेशन की पढ़ाई लिखाई नहीं थी, डिग्री नहीं थी, तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी मिसेज वो टीचिंग लाइन से थी, वो प्रिंसिपल थी यहाँ एयरफोर्स स्कूल पालम में, तो उनका टीचर्स का वैसे स्वभाव होता है कि रेड पेन उनका बहुत ज्यादा चलता है, हर वर्ड पे हर जगह वो निकालती. तो अभी तो वो नहीं रही, तो उन्होंने बताया कि ये चीज आप प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये चीज आप प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रहे, यहाँ पे आपका लिंक टूट गया है. क्योंकि उसने मुझे इतना आइडिया नहीं होता था कि एक टॉपिक को दूसरे से जब जोड़ रहे हैं, दूसरे को तीसरे से जोड़ रहे हैं, और एंड करते करते कई बार हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाते थे. लेकिन कहानी जहाँ से स्टार्ट हुई है और उसका एंड जो है वो बिल्कुल एक सीरीज में चलना चाहिए, तो उन्होंने डेफिनेटली बहुत मदद की. तो अगर इस लाइन में कोई अच्छा गाइड मिले, मेंटर मिले, तो हमारी जर्नी जो है बहुत इजी हो जाती है, स्ट्रगल बहुत कम हो जाती है. अच्छा गाइड करने वाला कोई मिल जाए तो मेरे अब बहुत सारे मिलने वाले हैं, 10-12 लोग हैं जो कि जिन्होंने सोचा था और उन्होंने किताब लिखी, आज वो राइटर बन गए, आथर बन गए, अच्छा नाम है सोसाइटी में उनका, और बड़े प्राउडली मतलब कि वो सोसाइटी में खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि अच्छी किताबें लिखी हैं. बहुत अच्छा लगता है मुझे. कुछ दोस्त हैं जो 3-3, 4-4 साल से कह रहे हैं, जब भी मिलते हैं बस अब नेक्स्ट मिलूंगा मैं किताब लेके मिलूंगा, लेकिन 4 साल बाद अभी भी
वो किताब शायद 8 या 10 पेज लिख के वहीं पे रुकी हुई है और आगे नहीं चल पाई। ये सारी चीजें होती हैं जी। थैंक यू सो मच अंकल। एंड अंकल व्हाट अबाउट, आपने एक बोला कि रेपो बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है, जैसे सिमिलरली इस वेबिनार पे इतनी रेपो बिल्डिंग हो गई है कि एवरीबडी फील्स दे आर कनेक्टेड टू यू। तो हम बुक लॉन्च करने से पहले हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेपो बिल्डिंग, अगर कोई एंटरप्रेन्योर या कोई भी पर्सन जिसकी ऑलरेडी सोसाइटी में यू नो अच्छी रेपो है people say and wo book nikale would definitely you know it lays in weightage rather than any novel, so apna vyaktitva apna persona banana society mein kitna zaruri hai as in relation to book you know launching side by side isme sab bada role to aaj ki date mein social media play karta hai। social media ko agar sahi dhang se use kiya jaye तो जब हम बुक का कवर बनाते हैं तभी मतलब कि उसको कर सकते हैं, बुक के बारे में बीच में किसी का मैसेज लेते हैं, उनके कमेंट्स लेते हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, बहुत अच्छी कवरेज। बाकी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट बड़े बड़े सप्लायर्स जो हैं ये, इन लोगों से जब बात की जाती है वो किताब रिलीज होने से पहले ही जो है बुकिंग शुरू कर देते हैं और काफ़ी अच्छी सेल जो है वो पहले ही मतलब कि शुरू हो जाती है। तो सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें आने वाले हर दिन के साथ बाकी सब चीज़ों को थोड़ा कम करते हुए सोशल मीडिया के साथ ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। जितना सोशल मीडिया को समझेंगे, जितना उसके साथ जुड़ेंगे, उतनी जल्दी हम मतलब कि सोसाइटी में अपनी चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, बुक्स हैं या कोई और चीज है उसको प्रमोट करने में बहुत आसानी रहती है। वंडरफुल, वेरी ट्रू। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया वाज ऑलवेज देयर, बट सोशल मीडिया के कई प्रोस कॉन्स थे जो अब स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड वी हैव रियलाइज कि वर्चुअली अपनी प्रेजेंस बनाना कितना जरूरी है। एंड नॉट जस्ट प्रेजेंस बनाना, ज्यादा से ज्यादा जो लोग आपसे रिलेटेड है, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आना चाहते हैं, आप सिर्फ उनको ऐड कर रहे हो। एंड जो लोग नहीं है आपके दायरे में और नहीं होने चाहिए, वो खुद ही धीरे धीरे हटते रहते हैं। सो आई हैव नोटिस दिस सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, अ टिप दैट यू कैन गिव टू एवरीवन आउट देयर। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, डेफिनेटली विद टाइम पॉसिटी हम इतना नहीं कर पाएंगे, बट किसी ने पूछा है कि प्लीज आस्क सर, दैट्स गर्वित मेहता, हाउ डिड ही गॉट एन आइडिया टू बी ऑथर। सॉरी प्लीज ये रिपीट करेंगे आप? हाउ डिड ही गॉट एन आइडिया टू बी ऑथर, आपको कैसे आइडिया आया कि आपने ऑथर बनना? नहीं, मैं एक्चुअली ना पहले प्रिंट मीडिया के लिए लिखता था, तो उसमें जब लिखते थे अखबारों में मैगजीन में तो उसकी लाइफ बहुत कम होती थी। तो एक दिन अगर न्यूज़पेपर में आर्टिकल कहानी कोई छपी है तो वो 1 या 2 दिन के बाद किसी को याद नहीं रहती थी। तो उस टाइम फिर मैंने सोचा जब इतनी मेहनत करते हैं तो क्यों ना इसे एक बुक शेप दी जाए। तो मैंने सबसे पहली बुक लिखी थी हंसते हंसते जीना सीखो, हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस एंड टेंशन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमर। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की थी, तो उस किताब का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, तो उससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिली। फिर मैंने स्टोरी बुक्स की बहुत सारी कहानियाँ जो राह दिखाएं, कहानियाँ जो जीना सिखाएं, नए दौर की प्रेरक कहानियाँ, इस तरह की बहुत मैंने सीरीज लिखी स्टोरी बुक्स की। फिर मोटिवेशन, फिर बच्चों के लिए लिखी टॉपर्स के टॉप टिप्स, फिर कैरियर के ऊपर अब मतलब कि काफ़ी टाइम से लिख रहा हूँ। तो सर मैं कई बुक्स देख पा रही हूँ, पता ही नहीं लगा। सर मैं कई बुक्स आपके पीछे देख पा रही हूँ, आपके पीछे थोड़ी बुक्स पड़ी हैं, तो मैं उनकी झलक देखना चाहती हूँ। आई रिक्वेस्ट आप हमारे लोगों को अपनी सर थोड़ी बुक्स दिखाएं। वाओ वाओ वंडरफुल, सारी सही सारी 36 बुक्स हैं? नहीं 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 नहीं, मैं कोशिश करता हूँ एक सेट रखने की, लेकिन नॉर्मली जो भी आता है 1-2 तो चली जाती है, तो रुक नहीं पाती। तो अभी ये लॉकडाउन के दौरान मतलब काफी किताबें चली गई, तो ये तो भी शायद आधी भी नहीं होंगी, तो इतनी किताबें और है मेरी। वंडरफुल सर, टू ऑल द मेंटर्स।